रिचार्ड संतोष फ्रॉम सावित्री स्कूल। आज मैं आपको कक्षा 10 का प्रथम पाठ जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और इस काव्य के कवि हैं रैदास जी। कवि रैदास जी का जन्म सन 1388 ईस्वी में हुआ था। संत रैदास जी कबीर के महान संत थे, उसके समकालीन महान संत थे। कवि रैदास जी को रविदास के नाम से भी जाना जाता था। संत रैदास जी संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे और काशी में रहते थे। पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी इनकी साधना कुछ प्रकार की कही जाती है। तो संत रैदास जी की जो भक्ति थी उसका वर्णन उन्होंने अपने पदों में किस तरह से किया है। उनका मानना है कि भक्त और भगवान के प्रति जो एक अटूट संबंध होता है, जो उनके प्रति एक निष्ठा होती है, उसका वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है। उनका मानना है कि मैं हर हाल में भगवान के निकट रहना चाहता हूँ, उनके समीप रहना चाहता हूँ, तो उन्हीं का जो वर्णन है उन्होंने अपने पदों में किया है। चलिए अब हम जो है कवि रैदास जी के पदों की ओर चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण चंदन के साथ पानी जैसा है। जिस तरह से चंदन को घिसने से उसकी सुगंध पानी में हो जाती है, ठीक उसी तरह से जाकी अंग अंग बास समान। अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी, जिस तरह से चंदन को घिसने से उसकी सुगंध पानी में हो जाती है, ठीक उसी तरह से आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे शरीर रूपी अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अब कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, घन मीन्स होता है बादल और बन मीन्स जंगल और मोरा मीन्स मोर पक्षी। अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप बादल हैं तो मैं उन बादलों को देखकर नाचने वाला मोर हूँ। जिस तरह से वर्षा ऋतु में बादलों को देखकर मोर खुशी के मारे नाचने लगता है, ठीक उसी तरह से मैं आपकी ओर निहारता रहता हूँ और आपको देखकर मदमस्त होता रहता हूँ। जैसे चित्वत चंद्र चकोर। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं जो है चकोर पक्षी के समान हूँ। जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर एक टक देखता रहता है या उसकी ओर निहारता रहता है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपकी ओर देखता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाते, जाकी ज्योति बरे दिन राते। अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो मैं उसके साथ रहने वाले उस बाती के समान हूँ, उस ज्योति के साथ हूँ समान हूँ जो हमेशा जलती रहती है। ज्योति का काम क्या होता है? जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करती रहती है। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं स्वयं जलकर मैं अपना अस्तित्व खोकर आपके साथ रहने में अपना सुख अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं जो है आपके साथ बाती बनकर रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मोती हैं तो मैं उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ। जिस तरह से मोती धागे के साथ रहेगा तो उसी तरह से मैं भी आपकी भक्ति में आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। यदि मोतियों के साथ धागा रहेगा तो मोतियों के साथ रहने से वो अपने आप में सुख का अनुभव करेगा। तो ठीक वैसे ही मैं भी आपकी भक्ति भाव में दिन रहकर आपके समीप रहकर अपने आप में सुख का अनुभव करूंगा। जैसे सोने ही मिलन सुहागा, और यदि मैं आपके साथ रहूंगा तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे सोने के साथ सुहागे का मिलन होता है। कैसे? सोने को गलाने के लिए एक द्रव्य का उपयोग किया जाता है, एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसे सुहागा कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि यदि आप सोना है तो मैं जो है उसके
जिसके साथ मिलाया जाने वाला सुहागा हो। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप सोना है तो मैं जो है सुहागा हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु हे भगवान यदि आप स्वामी हैं तो मैं जो है दास के समान हूँ। जिस तरह से एक मालिक होता है और एक नौकर का जो रिश्ता होता है, ठीक वैसे ही मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। यदि आप मेरे मालिक हैं तो मैं आपका नौकर हूँ, यदि आप मेरे स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक हूँ। हर समय मैं आपकी सेवा में रहना पसंद करूँगा। ऐसे भक्ति करे रैदास, तो कवि रैदास जी कहते हैं कि मैं इस तरह की भक्ति करना चाहता हूँ, इस तरह से किसी न किसी रूप में आपके साथ रहना चाहता। तो हम जो है काव्य को फिर से दोहराएंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यदि प्रभु जी चंदन हैं तो कवि जो है अपने आप को पानी के समान मानते हैं। प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा, अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप बादल हैं तो मैं जो है बादलों को देखकर नाचने वाला मोर हूँ। प्रभु जी तुम चंद हम चकोरा, तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं जो है उस चालक पक्षी के समान हूँ जो हर समय चंद्रमा को निहारते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप दीपक हैं तो मैं जो है उसके साथ जलने वाली बाती हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु यदि आप मोती हैं तो मैं जो है उसमें पिरोए जाने वाले धागे के समान हूँ। प्रभु जी तुम सोना तो मैं जो है उस सुहागे के समान हूँ। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप मेरे स्वामी हैं तो मैं जो है आपका दास हूँ। तो इस काव्य में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें काफी शब्दार्थ भी है और उसके अलावा अलग व्याकरण विभाग भी दिया गया है। तो सबसे पहले स्वामी, इस काव्य में कई व्याकरण के शब्द दिए गए हैं और शब्दार्थ भी दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है स्वामी, तो स्वामी शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? स्वामित्व। और स्वामी शब्द का विलोमी शब्द क्या होगा? दास। इसके अलावा यहाँ पर एक और लाइन दी गई है, सोने ही मिलत सुहागा। तो इस लाइन में एक मुहावरा छिपा हुआ है, सोने में सुहागा। सोने में सुहागा मुहावरे का अर्थ होगा किसी बढ़िया वस्तु में और अधिक विशेषता लाना। इसके अलावा जागे का अर्थ होता है जिसकी, जागे शब्द का अर्थ होता है जिसकी, और इसी वाक्य में जाति अंग अंग बास समानी। तो जाति अंग अंग बास समानी में एक समास दिया गया है, इसमें एक द्विरूपी शब्द है अंग अंग, मैंने उसको अंडरलाइन भी किया है। तो अंग अंग शब्द में कौन सा समास दिया गया है? जहाँ पर द्विरूपी शब्द होते हैं वहां पर अविभव समास होता है। घन, घन का अर्थ होता है बादल, और बन का अर्थ होता है जंगल, और मोरा का अर्थ होता है मोर। चितवत का अर्थ होता है देखना, चंद का अर्थ है चंद्रमा, और चकोरा का अर्थ है, चकोर नाम का एक पक्षी होता है जिसे हिंदी में तीतर भी कहते हैं। ज्योति मीन्स जो दीपक के साथ जलने वाली बाती होती है उसे कहा जाता है। बरई मीन्स जलना, और दिन राति जो शब्द है, दिन राति शब्द में ही एक समास छिपा हुआ है। दिन और रात, दिन और रात के बीच में एक योजक चिन्ह लगाया गया है, तो यहाँ पर जो है द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में भी ये इसके तीन भेद होते हैं, तो ये जो है इतरेतर द्वंद्व समास है। तो इस तरह से इस काव्य में व्याकरण के भी जो है काफी शब्द छिपे हुए हैं। यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द सोना, तो सोने को गलाने के काम आने वाला एक द्रव्य, तो शब्द समूह के लिए एक शब्द में ये सेंटेंस लिया गया है कि सोने को गलाने के काम आने वाला एक द्रव्य जिसका नाम है सुहागा।
तो इस तरह से हमने काव्य में काफी जो व्याकरण के शब्द थे उनका फिर से जो है दोहराया गया है। सबसे पहले मुहावरे का सोने में सुहागा, सोने में सुहागे का अर्थ होता है किसी बढ़िया वस्तु में और अधिक विशेषता लाना। स्वामी शब्द की भाववाचक संज्ञा होती है स्वामी, तो स्वामी शब्द का विलोमी शब्द होता है दास। और अंग अंग शब्द जो है अविभव समास होता है, दिन राति में जो है द्वंद्व समास है। तो इस तरह से काव्य जो मैंने आपको करवाया है या पढ़ाया है उसको आप सबसे पहले उसको ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने के बाद उसे ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद आपको एक पीडीएफ वर्कशीट भेजी जाएगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस काव्य से रिलेटेड हैं, तो उन्हें आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।